हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव के सफीपुर कोतवाली का मवई भान गांव जंग का मैदान बन गया। यहां हारे हुए प्रधान प्रत्याशी ने जीती हुई प्रधान फूलमती के घर पर धावा बोल दिया। इस मारपीट में प्रधान के बेटे सहित 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। मिल रही जानकारी के मुताबिक सफीपुर कोतवाली के मवई भान गांव में हारे हुए प्रधान प्रत्याशी ने जीती हुई प्रधान फूलमती के घर पर हमला बोल दिया। हमले में घायल प्रधान के बेटे ने बताया कि वो खेत में दवाई डालकर वापस आ रहा था, तभी विपक्षी प्रत्याशी ने गाली देना शुरू कर दिया। इसका विरोध करने पर 10-12 लोगों ने प्रधान फूलमती के बेटे पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। प्रधान के समर्थकों ने इसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन 10-12 लोगों का आगे प्रधान के 4-5 समर्थक टिक नहीं पाए और दबंगों ने प्रधान के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर दिया। इस दौरान दबंगों ने प्रधान के घर में आग भी लगा दी। आदमी को छोड़िए, दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, सभी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है और दोनों पक्षों के लोगों को लेकर थाने गई। वहीं घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। किस लिए मारा गया आपको? भैया मारा है हमें, वजह से मारा है हमें, चुनाव में उन्होंने हारे तब मारा है। अच्छा, जीता को है? जीते हम है, हमारी माता फूलमती ने जीती। काहे से मारा है भैया? तब्बलों से मारा। अच्छा, तब्बलों लट्ठों से मारा दांत। अच्छा, ये कौन सा हमला है? ये दोबारा है, दवाई डालने गए तब भी हमें गाली दे रहे थे, मारने दौड़े हम बचाए। अच्छा, दोबारा इन्होंने फिर मारा। अच्छा हाँ। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस हमले में प्रधान के बेटे सहित 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायल प्रधान के बेटे ने बताया कि ये उनके ऊपर दूसरा हमला है। हारे हुए प्रधान प्रत्याशी अपनी हार को पहचान नहीं पा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने जीते हुए प्रधान का गाँव में रहना मुश्किल कर दिया है। संवाददाता भीम शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट, सफीपुर, उन्नाव, यू न्यूज। भैया।